ठाकुर जी के दर्शन करने का प्रथम साधन है भक्ति। बढ़िया साधन, सरल और सहज भक्ति। जो भक्त भक्ति करने लगता है उसे ठाकुर जी के दर्शन तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से बोलो ना, तीन। पहला दर्शन होता है स्वप्न में ठाकुर जी की झलक दिखाई पड़ना। कई बार बहुत से भक्त बताते महाराज जी हमें सपने में भगवान दिखाई पड़ते, सपने में भगवान दिखाई पड़े, सपने में गुरुजी दिखाई पड़े, स्वप्न में संत दिखाई पड़े। जिसका स्वप्न बार बार आवे समझना उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर प्रत्यक्ष हो या ना हो, उनसे तुम मिले हो या ना मिले हो, स्वप्न में आने पर समझ लेना उन्होंने तुमको भी याद किया है। पहला दर्शन है स्वप्न दर्शन। दूसरा परमात्मा दर्शन का दूसरा रूप बताया मंदिर में मूर्ति में ठाकुर जी का अनुभव होना। मंदिर में मूर्ति लगी हो, और कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां पर ऐसा लगने लगता साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं। जैसे बागेश्वर धाम पर जाओ आप तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात श्री हनुमान जी बैठ करके कुछ बात करने वाले। हाँ जी या ना जी बोलो। तो ये दूसरा दर्शन हुआ। तीसरा दर्शन इसे उत्तम दर्शन कहते हैं, अप्रोक्ष दर्शन। इस दर्शन का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, आंख बंद करके अपने अंदर के ब्रह्म का दर्शन करने की दृढ़ता मन में लेना। और जैसे ही आंख बंद करो गोविंद के दर्शन प्रारंभ होने लगे तो समझना है आपको तृतीय और उत्तम श्रेणी के दर्शन हो गोविंद के होने लगे हैं। आहाहा, इसलिए मेरे साधुओं श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत दर्शन का एक ग्रंथ है, ठाकुर जी की भक्ति का एक ग्रंथ है। एक बार सौनकादिक ऋषि विराजमान थे, सबके मन में यही विचार आ रहा था कि भगवान के दर्शन कैसे होंगे, भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, और कलयुग में कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा। श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं। श्री सूत जी आयु में बहुत छोटे हैं, सौनिक जी आयु में बहुत बड़े हैं, लेकिन भैया आयु महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भगवत कृपा। कई लोग तो 40 साल के हो जाते फिर भी भगवान के सपने में दर्शन नहीं कर पाऊ, और प्रहलाद जी को तो 5 वर्ष की अवस्था में ही ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो भगवान आयु नहीं देखते हैं कि तुम कितने साल के हो गए, बूढ़े हो कि हल्के हो। हाँ, कई बार तो बुढ़ापे तक आदमी राम राम नहीं लेते, कछु नक्कटाए ऐसे हो, बुढ़ापे तक राम राम नहीं करते। और कई बार छोटा बच्चा भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुनाने लगता। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी आयु कितनी है या आपने किस आयु के गुरु से दीक्षा ली या किस आयु के आचार्य की शरण में बैठे हो, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी श्रद्धा कितनी मजबूत।